हुसैन छछर वर्ल्ड चौधरी मोहम्मद हुसैन छछर 10 जुलाई 1976 को ओकाड़ा में पैदा हुए। उन्होंने पंजाब लॉ कॉलेज लाहौर से 2000 में कानून की सनद हासिल की। उन्होंने 2002 से 7 के दौरान मेंबर पंजाब असेंबली की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए ज़रात के अहदे पर काम किया। उन्होंने थाईलैंड और बरतानिया का दौरा भी किया। वो 2002 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का पीपी 188 ओकाड़ा 4 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने 27,767 वोट हासिल किए और सैयद रज़ा अली गिलानी को शिकस्त दी। उन्होंने 2008 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का पीपी 188 ओकाड़ा 4 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजाब की सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने 16,248 वोट हासिल किए और ये नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार रूबीना शाहीन बट्टू से हार गए। 2012 में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हल्का एम ए 147 ओकाड़ा 5 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा, लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने 51 वोट हासिल किए और ये नशिस्त खुरम जहांगीर बट्टू से हार गए। वो 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में हल्का पीपी 188 ओकाड़ा 4 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए थे। उन्होंने 47,222 वोट हासिल किए और मंजूर बट्टू को शिकस्त दी। वो पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 में हल्का पीपी 185 ओकाड़ा 3 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब हुए। एतमाद न्यूज़, हर खबर एतमाद से। कौमी और बैनुल अक्वामी न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए।